चलो और टीम में क्या पढ़ा था कल, देखा था कल, देखा था कल, कहा था पढ़ा था हमने 24 तक, अच्छा 24 तक पढ़ा था, ठीक है। 20 में क्या है आपका, अंशक 20 क्या कहता है, 19 से 22 तक क्या स्वतंत्रता का अधिकार, 20 में क्या आपका दोष, दोष सिद्धि का संरक्षण, 21 में क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, 22 में क्या आपका गिरफ्तारी का संरक्षण, अनुच्छेद जो आपका 23 और 24 है, अनुच्छेद 23 और 24 इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, क्या होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या बोला जाता है, बाल श्रम, 23 में बोला जाता है क्या, बोला जाता है बाल श्रम, बेकारी, बंधुआ मजदूरी है ना, दुर्व्यवहार, ये नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा जबरदस्ती करेंगे तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, ये कौन का था अनुच्छेद 23। लेकिन राष्ट्र सेवा के लिए अगर जरूरत पड़ा तो आपसे बलात्श्रम भी कराया जा सकता है और बंधुआ मजदूरी भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देश सेवा में सबसे पहले कौन आता है, देश, फिर आपकी आपकी जो मूल अधिकार है वो आते हैं, ठीक है। जब आप इमरजेंसी लागू होता है, जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, जब आपको इमरजेंसी लागू होते हैं, इमरजेंसी तीन तरह के होते हैं, कौन कौन, राष्ट्रीय आपातकाल और द्वितीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और द्वितीय आपातकाल, 352, 356, 360। तो जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है या वित्तीय आपातकाल लागू होता है तब कुछ मूल अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो पढ़ाएंगे तब अग्नि। लेकिन फिलहाल में हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 तक है ना, 24 में क्या कहता है जी, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम नहीं करवाना है, काम नहीं करवाना है, ये कौन कहता है अनुच्छेद 24 करता है, ठीक है। अब आइए अब पढ़ते हम लोग क्या अनुच्छेद 25। लेकिन फिर भी देखते हो जो जगह है ना, आप गांव में देखते होंगे छोटे बच्चों को होटल होटल में काम कराता है, सब प्लेट धोने के लिए, ये पोछा लगाने के लिए है ना, अगर ऐसे में कंप्लेन कर देगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन ये सब भी होते हैं बिना लाइसेंस वाले होते हैं, ये सब उनके लिए वैल्यू ज्यादा है जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के चला रहे हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर चला रहे हैं, ठीक है। बहुत फिर भी होता है, ठीक है। लेकिन आज लोगों के पास इतनी बेरोजगारी हो गई है कि अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते कम है और काम पे क्या करते हैं, लगा देते हैं, काम पे क्या करते हैं, लगाते हैं। लेकिन अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं, एटलीस्ट आपको होता अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, ठीक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है शिक्षा के ऊपर थोड़ा जोर देने लग गई है, ठीक है। आइए अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, क्या पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता, कहां से जी 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। पहले पहले अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, ऊपर मिला दो एक बार चार में समझ में आएगा, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 जो है ये आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 है ना। अब आइए बात तो समझते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है। इसमें आपसे कहा गया है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार के रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है, रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है। अब उससे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम ये धर्म क्यों मानते हो, तुम ये धर्म क्यों मानते हो, वो कोई भी रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है
और कोई भी धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि भारत का जो नागरिक है, कोई भी नागरिक, वो किसी धर्म के किसको मान सकता है, रीति रिवाज को। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए, रीति रिवाज कहने का मतलब है, सपोज कर लो किसी को सिख धर्म पसंद आ गया, तब जरूरी नहीं है कि सब पगड़ी उगड़ी बांध ले, पूरा बड़का एकदम माथा बना ले और पूरा छोटा छोटा बलर लटका ले, जरूरी नहीं है। आप उसके अच्छे गुण को फॉलो कर सकते हैं, अच्छे गुण को फॉलो कर सकते हैं। किसी को क्रिश्चियन धर्म अच्छा लगा तो कैसा नहीं कि आप ईसाई बन जाओ, उसके अच्छे रीति रिवाज को मानना। रीति जैसे जाते हैं ना जी, गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना, तो वो क्या है, उनके रीति रिवाज को मानना। अब ऐसा थोड़ी है कि जो पंजाबी है वही की चढ़ाए, होता है कैसा, जैसे इस्लाम धर्म है, अब इस्लाम धर्म में कुछ अच्छे नहीं मान सकते हो, रोजा रख सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ थोड़ी बोला है कि तुम नमाज पढ़ते हो। छठ के समय में देखते हो बहुत से मुस्लिम लोग भी छठ का अर्घ देते हैं, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ये मुस्लिमों के छठ का अर्घ दिया, सूर्य का अर्घ दिया। तो सूर्य का अर्घ देना का मतलब क्या, हम उस धर्म को, अब ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम है तो हिंदू बन गया, ऐसा नहीं है। अब कहीं पूजा हो रहा है, आरती हो रहा है, आरती में शामिल हो गया तो थोड़ी वो हिंदू बन गया, हम उसके रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। ये संविधान में कहा गया कि भारत के कोई भी नागरिक किसी धर्म के रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है, उसे कोई नहीं बोलेगा कि क्यों फॉलो कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, वो किसी धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रचार करने समझते है ना, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है और उसका ये हक देता है, कौन देता है, हम 6/25। जैसे धर्म का प्रचार करने का मतलब, मान लो कि आप पंडित जी हैं, तो बनिया तब तीन को इतना छाप लगम चंदन की कगम लाल पीला रहे, देखते हैं आप पूरा भगवा वस्त्र धारण कर लो, ये कर सकते हैं आप, ये करने की आजादी कौन देता है, कोई मौलवी साहब टोपी पहन लिए, टोपी पहन करके कुछ काम कर रहे हैं, जब अपना क्या स्कूल गए तो उनको रोका नहीं जाएगा, कहा नहीं रोका जाएगा भैया, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 25 उनको धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि वो किसी भी धर्म को रीति रिवाज मान सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन देता है, अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, अब इसी में लिखा है ना जी, अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, इसके तहत सिख को कृपाण, मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक रखने की स्वतंत्रता देता है। टिक्की समझते हैं, ये अब दाढ़ी, लेकिन जैसे आप किसी अगर अच्छे प्रतिष्ठित पद पे आएंगे, जैसे मान लो आप एसपी बन रहे हैं, क्या नाम है, आईपीएस बन रहे हैं, या क्या नाम है, आईएएस बन रहे हैं, या पीसीएस बन रहे हैं, तो आपको एक कॉमन रूल फॉलो करना होगा। आप कभी किसी दरोगा को देखे हैं, लंबी दाढ़ी वाले मूछ रख सकते हैं, ये सब दाढ़ी वाली नहीं रखेंगे, मूछ रखना अलाव है, दाढ़ी अलाव नहीं है, तो उसमें ये है कि आप इस चीज को नहीं करेंगे, क्योंकि अलग रूल प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन जनरली आपको संविधान जो है इस चीज की अनुमति देता है कि मौलवी साहब दाढ़ी रखेंगे, हिंदू तो देखता पूरा माथा बुला रहता है, वो पीछे छोड़ देता है, लटका लटका पड़ता चोटी, अरे शान होती भाई सर, शान नहीं होती, वैज्ञानिक कारण जो भी कारण हो, ताप का नियंत्रण करता है, अरे ताप का नियंत्रण तो बात की चीजें हैं, अगर ये उनकी छोटी का शान होता है, आपको इतिहास पढ़ाया हूँ, इतिहास में धनानंद ने ये छोटी पकड़ के चाणक्य को बाहर निकाल दिया था, कौन मूर्ख हमारे इस विलास भोग विलास वाली जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है, बाधा डाल रहा है, बोला हम मूर्ख नहीं है, हम चाणक्य हैं, एक शिक्षक हैं, बोला तो बाहर निकालो। अब उसको पकड़, हाथ पकड़ा था, हाथ झाड़ दे रहा था, उसे चोटियां पकड़ा भर मुठी, चल चल चल, अब चोटी जैसा औरतों का बाल पकड़ लो तब कुछ करने लेके जाओ चली जाएगी। ठीक है, वैसे लड़का को वैसे क्या पंडित पंडित जैसा चोटी पकड़ लो, तीन पुतली पूरा मुंह कान फाड़ देगा। ठीक है, हम उसके राजा था, काहे को लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है सर, अगर पहले ठीक है, अब उसको बाहर निकाल लिया तो चाणक्य ने क्या कहा था,
कि तुमको नहीं पता तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक के गोद में निर्माण एवं विनाश दोनों पलते हैं। और क्या कर दिया था आप लोगों को पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य ना। इसलिए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 इधर आओ। अनुच्छेद 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखो, अब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या है जी? जैसे मान लो अब दशहरा होता है, दशहरा में लोग पंडाल बनाते हैं ना, झांकी बनाते हैं। तो झांकी कहाँ बनाते हैं? घर में बनाते हैं? नहीं, वो किसी सार्वजनिक जगह पे बनाते हैं। रोड पे देखते हैं, रोड को बात बल्ली कर दिया, खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। कोई ऑब्जेक्शन करता है? क्यों ऑब्जेक्शन करता है? क्योंकि उसको पता है कि ये परमानेंट नहीं बना रहा है, ये दो दिन के लिए बना रहा है, दो दिन बाद क्या करेगा? क्या करेगा? हटा देगा। उसी तरह से मुस्लिम लोग है, जब उनका ईद होता है ईद पर नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पे जिससे रोड होता है आपका, रोड पे ही नमाज अदा करते हैं। क्या करते हैं? रोड पे ही नमाज पढ़ते हैं। 5 मिनट के टाइम दे दो, ऊपर आ जाओ 5 मिनट, बस आराम 5 मिनट में। ठीक है, आराम 5 मिनट, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ? जैसे दुर्गा पूजा है, चाहे क्या नाम ईद है, चाहे सत्संग, अरे सबसे बढ़िया भैया सत्संग देखते हैं। कोई भी मैदान में फील्ड में कहीं गाड़ दिया, 8 दिन का भागवत कथा हो रहा है, ठीक है। अब भागवत मैदान नहीं मिला तो रोड पे गाड़ दिया, 8 दिन रोड जाम, कोलिंग वाले घूमू में जा रहे हैं। तब कोई कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी कोर्ट क्या कहेगी कि इसको कौन सा अनुच्छेद दे रहा है? 26 तहत क्या कर सकता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कर सकता है। हम मान लो नमाज पढ़ रहा है मुसलमान लोग, हिंदू पहुंच जाएगा कहां? कोर्ट में, कि देखिए रोड पे नमाज पढ़ रहा है, जाम कर रखा है। कोई कोर्ट रोड कोर्ट कहेगा कि नमाज कितना देरी का होता है? 15 मिनट का होता है, 15 मिनट तो हट के रह जाएगा जी। लेकिन सर ऐसा केस है जहाँ पे मुस्लिम को पकड़ के पुलिस लेके जाती है। सुनो तो, नहीं कहीं लग जाती है ईद के दिन, कहीं लग जाती है वैसे लग जाएगी नहीं। रोज तुम रोज नमाज पढ़ोगे? स्पेशल दिन अब रोज आदमी पर झंडा गाड़ देगा, पंडाल गाड़ देगा रोड पे, तो उसको हटाएगा नहीं? स्पेशल डे जैसे ईद के दिन है, अब ईद के दिन आप कंप्लेन कर दोगे कि मुसलमान को हम रोड पर क्या नमाज पढ़ने नहीं देंगे, तो कोर्ट बोलेगा कि बबुआ दशहरा आ रहा है सर, कोरोना टाइम में बहुत बहुत बुरा हाल हुआ था, दशहरा आ रहा है, ओहो आपको कंप्लेन करेगा कि रोड के ऊपर हम बबू वो नहीं करने देंगे, पंडाल नहीं, रावण नहीं जलाने देंगे। तो खैर रावण तो ग्राउंड जलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या क्या जाएगा जी? सत्संग क्या आ जाएगा? सत्संग और क्या आपका? ईद, ईद की नमाज, ठीक है। और क्या आपका आएगा? जैसे आपका दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा में, ठीक है, इन सब कोई भी फेस्टिवल हो गया, चाहे नाम है बसंत, गणपति पूजा ले लो, गणपति पूजा में पंडाल बनाते हैं लोग, यानी फेस्टिवल समय में सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को पता है कि ये चीजें परमानेंट नहीं करेंगे, ये टेम्पोररी करेंगे। जब भी टेम्पोररी करेंगे तो टेम्पोररी में इनको आजादी कौन देता है? ठीक है, 25 क्या कहता है? धर्म को मान सकता है। 26 क्या कहता है? सामूहिक स्वतंत्रता कहता है। दो हो गए क्लियर। 23 का था शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 तरह का ढांचा क्या पढ़ेंगे हम लोग? धार्मिक अधिकार। 27 कहता है, अब 27 देखते हैं, अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक काम के लिए जमा की गई धन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्या बोलता है बोलो? धार्मिक काम के लिए रखा गया धन टैक्स फ्री होगा। क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। अब इसमें घोटाला नहीं होता है,
आप समझ में आया हाँ क्या करेगा, तीन आदमी मिलकर ट्रस्ट बना लिया, ट्रस्ट बनाने लिए तीन आदमी, और ट्रस्ट बना दिया और उसमें दिखा दिया कि जो भी पैसा ट्रस्ट के काम, ये ट्रस्ट के नाम पर है, ये इसी काम के लिए यूज होगा। कोर्ट ही बोलेगी ठीक है, पुलिस बोलेगी ठीक है। अब मान लो कि कोई गुरुद्वारा बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, उसने ट्रस्ट बना दिया। अब ट्रस्ट में पैसा तो बहुत आते हैं, क्योंकि जो भी दान आएगा, चंदा लेगा, तो कहाँ जाएगा, ट्रस्ट में जाएगा। अब ट्रस्ट से मान लो मंदिर बना रहा, अब छड़ आया कितने का, 2 लाख का छड़, कितने का आया, 2 लाख का। अब पर्चा बना के दे दिया 10 लाख का, तो पैसा कितना निकला, 10 लाख। पैसा कितना निकला, 10 लाख। गया छड़ वाले पास कितना, 2 लाख। बचा कितना, 8 लाख। वो कहाँ गया, बढ़ा होगा तो सर वो लोग जांच नहीं करते कि एग्जैक्टली अब सरकार सख्त हो गई है। इतने जांच के नाम कॉमनवेल्थ घोटाला का नाम फ्री थी, नहीं सुनिए, कॉमनवेल्थ में इतना घोटाला हुआ था, एक ही बार तक कॉमनवेल्थ हुआ, कितना कितना करोड़पति बन गया, कितना करोड़पति बन गया, ठीक है। एक कूलर आ रहा है रेंट पर, ठीक है, कूलर के दाम है 10,000, हाँ कूलर रेंट पे आ रहा है एक दिन के लिए 15,000 में, तो लिख के उसमें दिया गया था, ठीक है। अरे एक सामान तो पढ़ोगे ना, तो ये 15 रुपए का सामान है, अब 500 रुपए में रेंट पर आ रहा है, वो क्या था, एक एक मजदूर की सैलरी 2010 की बात बता रहे हैं, उसमें मजदूर की सैलरी कितना था, एक दिन का 100-200 रुपया, कितना था, 200 रुपया, अब चलाया गया 700 रुपया, 800 रुपया है। तो ये सब होते रहते हैं, देखो अब सरकार इस सब चीजों में सख्त हो गई है, अब जांच करती है, लेकिन फिर भी पकड़ा ही जाता है। 100 बोरा सीमेंट लगा, कितना सीमेंट लगा, 100 बोरा, 150 बोरा, तुम बोरा गिनने आओगे, बोरा गिनने आओगे जी। अब रेट आया कि इसने मान लो 450 का, उससे 500 ले देगा, तो 50 रुपए कोई चार्ज नहीं करेगा। अब 50 मान लो 100 बोरा सीमेंट लगा, ठीक है, और आपने लिखा कितना, 150, ये आया 450, तो लगा कितना, कितना पैसा खर्च हुआ जी आपका, 45,000 रुपए खर्च हुआ। अब आपने यहाँ रेट बताया कितना, 500, तो कितना पैसा निकला वहां से, 75,000, कितना निकल गया, 75,000 खर्च, कितना हुआ, 45,000, आपके जेब में कितना गया, 30,000, छोटी मोटी रकम है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी सरकार इस पे तो वो हो गई, स्ट्रिक्ट हो गई है, पूरा नजर रखती है। हालांकि जो बड़े बड़े ट्रस्ट है, जैसे राम मंदिर का जो फैसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा था कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, क्या बनाइए, ट्रस्ट, तभी तो राम मंदिर बनेगा। इससे पहले भी ट्रस्ट था, उसमें बहुत करोड़ों रुपया था, अभी भी ट्रस्ट बना है, तो ट्रस्ट में इन्वॉल्व कौन है, केंद्र सरकार, तो उनका हिसाब किताब अपने तरीके से रहता है। जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहां पे हिसाब किताब बढ़िया रहता है। कि मान लो राम मंदिर के लिए ट्रस्ट कौन दे, इन्वॉल्व कौन हो गए, केंद्र सरकार, जो भी खर्चा हुआ उसका साइन किसका आएगा, केंद्र सरकार का। अभी आपने सुना था ना कि गुजरात का जो मंदिर है, कौन सा मंदिर, अरे अक्षरधाम, उनके ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब ट्रस्ट के थ्रू कुछ पैसा निकलेगा, किसका साइन होगा, मोदी जी का, मोदी जी का साइन करने से पहले नहीं देखेंगे, तुम ला कर आ रहे 17, अच्छा ये तो नहीं कहता है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं ना, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। जो घोटाला होता है छोटे मोटे ट्रस्ट में होता है, बड़े बड़े ट्रस्ट में घोटाला नहीं होता है। बात समझ में आया, ठीक है। ये धार्मिक काम में रखा गया धन पे क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। अब आइए अगला अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 इसमें कहता है सरकारी संस्था में, क्या कहता है जी, सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी संस्था कैसे नहीं चाहिए, सरकारी, जैसे हम लोग अभी कहते हैं प्राइवेट हैं, हम यहाँ धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लेकिन सरकारी संस्था में, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में आपको धार्मिक शिक्षा दी जाती है, नहीं नहीं दी जाती है।
कुछ लोग कहता है सर इसमें उर्दू पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, रामायण पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया जाता है और महाभारत पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है जी। अरे बाबू जी ये सब रामायण महाभारत क्या है, किताब है, ये धार्मिक शिक्षा थोड़ी दे रहे हैं। धार्मिक शिक्षा का मतलब होता है कि जैसे आपको हिंदू धर्म में जनेऊ धारण कैसे करना है, ठीक है, पूजा पाठ कैसे करना है, आपको हिंदू कैसे बनना है, उसको बोलते धार्मिक शिक्षा। ऐसा कोई शिक्षा दी जाती है? जहां तक बात करें उर्दू का संस्कृत का, ये भाषा है, ठीक है, भाषा भाषा तो दी जाएगी लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे धार्मिक शिक्षा मुसलमानों कैसे, वैसे कुरान में नमाज कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ने के तरीके कैसे हैं, इसे क्या बोलते हैं, धार्मिक शिक्षा। ये सब कैसे दी जाता है, नहीं दी जाता। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि अब ये धार्मिक शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कोई अगर टोपी पहन के आ गया पढ़ने के लिए तो उसको पढ़ने देंगे कि नहीं पढ़ने देंगे? पढ़ने देंगे। उसको कौन, 25 क्या करता है, किसी धार्मिक रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है। मान लो कोई आ जाएगा, कोई पंडित जी आ जाएंगे पूरा टिका का मार के, तो मना कर देंगे, उनको भी पढ़ने देंगे, उनको भी। कर्नाटक में तेजाब, देखो कहीं कहीं पे कुछ चीजें अपवाद आता है, जैसे आपका क्या नाम है, मदरसा है, तो मदरसा में भी जो होती है वो आपको पढ़ाया जाता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। धार्मिक शिक्षा आपको वही दी जाएगी जो सरकारी संस्था नहीं होगी, सरकारी संस्था नहीं, जैसे मठ होते हैं, मठ में जाकर आप क्या कर सकते हैं, हाँ वो बन सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं, पंडित होकर सन्यासी बन सकते हैं, शनवो ले सकते हैं, ठीक है, भगवा वस्त्र पहन सकते हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। सरकारी उसी को बोलते हैं जहां पे सरकार क्या करती है, सैलरी देती है, तो आपका 25 बोलो क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक काम के लिए रखा गया धर्म टैक्स फ्री होगा, 28 में सरकारी संस्था धार्मिक शिक्षा फ्री होगा। इन जो आपका ये जो सारे हैं इसको हम लोग बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता। आपसे पूछा जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितने से कितने तक है, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को नोट करना है तो नोट करो, अरे तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आइए 29-30 देखते हैं, मिटा दूं, सब मिटा दूं ना, आइए अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है, करता है शिक्षा एवं संस्कृति, क्या होता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृत नहीं, संस्कृति का अधिकार, का अधिकार, लेकिन यह अधिकार किसको मिलेगा, सिर्फ अल्पसंख्यक को, किसको मिलेगा, अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में जो भी आ जाए, जैसे आप क्या नाम है, पूरी इंडिया की बात करें तो सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, हालांकि मुस्लिम की आबादी बहुत से अल्पसंख्यक आना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ओवरऑल मानते हैं अल्पसंख्यक बोलो, ठीक है, तो सिख क्रिश्चियन क्या आपके अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक का क्या हो गया, इनको अधिकार मिलता है कि अपने शिक्षा और संस्कृति को पढ़ सकते हैं, शिक्षा क्या करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी मुस्लिम है, मुस्लिम कोई अल्पसंख्यक है, तो अपना क्या करता है कि मुस्लिम धर्म का जो पढ़ाई है, आपका उर्दू हो गया, इन सब चीजों क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। समझा? पढ़। जैसे मान लो यूपी में, यूपी में माइनॉरिटी कौन है जी? कौन है? सिख है। सिख है। अब सिख सोचेगा कि हम अपनी क्या ना करते हैं, शिक्षा संस्कृति का बढ़ावा करते हैं, क्या करते हैं, तो पगड़ी धारण कर सकता है। मान लो कोई सिख पगड़ी पहन के आ जाएंगे तो उनको मना करेंगे, क्यों जी? उनकी संस्कृति है। क्या संस्कृति है? जैसे कृपाण होता है तो सिख लोग कृपाण रखते हैं, उनको कहाँ जहाज में भी अलाव होता है, जहाज में असर। आप लोग जाओगे तो बेल्ट सब खुला देगा एरोप्लेन में, एरोप्लेन में जाओगे ना तो आपको बेल्ट तक खुला देगा, कुछ नहीं पहन सकते हैं, लेकिन सिख लोग कृपाण रखते हैं, तो उनको क्या है, अधिकार है। अब मान लो यहाँ पे कोई आ जाएंगे, क्या नाम है, जैन धर्म का आ जाएगा श्वेतांबर, मना कर सकते हैं, दिगंबर तो भी मना नहीं करेंगे, तो भी मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। श्वेतांबर तो ठीक है, श्वेत वस्त्र पहनता है, दिगंबर सत्रह कुछ पहनता ही नहीं है, लेकिन हम मना नहीं है क्योंकि उसको अधिकार है, ठीक है, भले उसके लिए अलग व्यवस्था करना पड़ेगा, दो बेंच पर वही बैठेगा, अगर वह कोई नहीं बैठेगा, ठीक है, लेकिन हमें मना नहीं कर सकते। उनके लिए जो चेयर है ना आगे, तो चेयर लगा रखे ऐसे लोग, ठीक है। तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक, अगर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में पढ़ाई नहीं कर पाता है, अपना शिक्षा और संस्कृति को नहीं हैंडल कर पाता है, तो उसको अपना अलग से संस्था खोलने का अधिकार देता है, संस्था खोलने का अधिकार देता है। यानी कि क्या होगा जी, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक को क्या खोलने का, संस्था खोलने का अधिकार है। क्या है जी? अधिकार। ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 30 देता है। जैसे मान लो अगर मुस्लिम ये सोचेगा कि सरकारी स्कूल में हम पढ़ नहीं पाते हैं, अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं तो अपना मदरसा खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? मदरसा को खोल सकते हैं। अगर मदरसा खोलेंगे और सरकारी सारी नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, तो क्या नाम है, सरकार उसको क्या देगी, मान्यता दे देगी, क्या देगी, मदरसा को मान्यता मिलता है ना जी। जैसे संस्कृत विद्यालय, अब सरकारी स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो उसको एक अलग से संस्कृत महाविद्यालय खोला जाता है ना, तो सरकार मान्यता देती है। कितना दर? अल्पसंख्यक जो होती है, क्या नाम है उसको, मदरसा जो खोलती है, जैसे संस्कृत महाविद्यालय, तो सरकार मना करती है, मना करती है क्या, सरकार नहीं करती है, उसको सारे में मिलता है ना, फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। आप तो जरा 2 मिनट रुकेंगे, कोई हल्ला नहीं करना, मैं जरा आ रहा हूँ 2 मिनट में, ऊपर काम हो रहा है, 2 मिनट में आया, कोई हल्ला मत करना। चलो मत।
हाँ जी आ जाओ ठीक है। अब ये अल्पसंख्यक को संस्था खोलने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 30। इसका मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी समाज क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, यानी कि वो अपनी अपना जो उनका धर्म है उसकी शिक्षा वो बढ़ा सकता है, दे सकता है। जैसे मान लीजिए संस्कृत है तो संस्कृत से कोई पढ़ता है नहीं, लेकिन संस्कृत महाविद्यालय देखो बोलता है जी मदरसा ऐसे कहीं उर्दू पढ़ाया जाता है नहीं, वो कहाँ पढ़ाते हैं मदरसा में। तो मदरसा के लिए अलग टीचर अपॉइंट होता है, होता है ना। अब वो जो अलग टीचर अपॉइंट होता है, अब वो टीचर का मतलब अगर वो सरकारी रूल फॉलो करता है, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल खोलेंगे स्कूल खोलेंगे, अब जो सरकारी रूल करता है कि बड़ा सा ग्राउंड होना चाहिए ठीक है, और उसमें क्या नाम है बड़ी सी एंट्री गेट होनी चाहिए, नाम लिखाना चाहिए, तो क्या नाम है 25 कठा में आपका कमरा होना चाहिए, भले सरकारी मास्टर जैसा भी रहे चौपट रहे चलेगा, बस बिल्डिंग उल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको क्या मिल जाएगा मान्यता, क्या मिल जाएगा मान्यता। तो ऐसे में आपको मान्यता मिल जाएगा और उसको सरकार उसको क्या देगी सैलरी देगी, क्या देगी सैलरी देगी ठीक है। देखो बहुत जगह देते हैं, जैसे आपका ये चित्रा में चित्राम स्कूल है ना जिगत वाला, इसको मान्यता भी मिला हुआ है, इनको सब सरकारी भी है ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाते हैं, कुछ सरकारी होते हैं ठीक है। तो कुछ जब गवर्नमेंट जब मान्यता देती है तो प्रिंसिपल बना देगी सरकारी, एक दो मास्टर सरकारी कर रहे जो इससे पैसा कुछ फीस उठ लेना हो वो एग्जाम फीस कुछ भी लेना हो बाकी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख देगी 10-12 हजार में, लेकिन सरकार मान्यता दे देती है उसको, उससे सरकार के सारे फैसिलिटीज मिलते हैं ठीक है, स्कॉलरशिप हो गया, ड्रेस हो गया, बुक्स हो गया, कुछ रहते हैं गवर्नमेंट। जैसे मदरसा, अब मदरसा में क्या होता है, मदरसा में वही चीज है, अगर उसके रूल फॉलो करेंगे तो क्या मिल जाएगा मान्यता मिल जाएगा। इनको अपना खोलने का अधिकार है, हाँ जी अधिकार है, अधिकार है। अब यानी कि मदरसा है जिसका अपना संस्कृत विद्यालय, अब संस्कृत विद्यालय ये अपना क्या कर सकता है खोल सकता है अपना ठीक है, क्योंकि अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है ठीक है। यानी अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी पहचान के लिए अपनी संस्था क्या कर सकता है खोल सकता है, खोल सकता है। आइए चलते हैं, यानी कि अनुच्छेद 30, 29 और 30 किसके लिए जी, अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यक की सुरक्षा करता है ना, अल्पसंख्यक की क्या देता है स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता ठीक है। अब आइए अभी देखते हैं अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 कहता है इसमें था संपत्ति का अधिकार, क्या जी संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार पहले किसमें था अनुच्छेद 31 में, ये जो है संपत्ति का अधिकार है ये कौन सा है पैतृक, पैतृक बोले तो दादाजी से पिताजी, पिताजी से हमें और हमें तो कितना जाएगा हमारा बेटा, इस पैतृक संपत्ति को कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, क्या बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, तो जेवर एयरपोर्ट में क्या सरकार की अपनी जमीन गई है नहीं, जेवर एयरपोर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ी एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ी,
आप यानी कि इंटरनेशनल है, अब ये एशियन वाले इंटरनेशनल है वो, अब वो जो एयरपोर्ट है वो इतना में बड़ा बन रहा है, उतना में 25-30 गांव बस जाएगा, कितना बच जाएगा 25-30 गांव। तो अब पहले क्या था, मूल अधिकार था, अब मूल अधिकार की रक्षा कौन करता था, सुप्रीम कोर्ट, कोई से कुछ करता था उसमें कहां पहुंच जाता था, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कहता था जब तक ये आदमी देने को तैयार नहीं है आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। अब इसमें हो गई दिक्कत, सरकार को जमीन मिल नहीं पा रहा था, तो सरकार ने 1978 में, कब जी 1978 में, 44वें, कौन सा 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में इन्होंने क्या कर दिया, इस संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया, और कहां डाल दिया 300A में। और इसमें यह कहा गया, इसमें ये कहा गया कि सरकार आपकी जमीन को जब चाहे तब ले सकती है, एक विशेष आपको मुआवजा दे करके, क्या दे करके, मुआवजा, लेकिन आपसे आपके अलावे कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके बच्चे, मान लो कोई आदमी है सुरेश, कोई आदमी है, इस बात को समझे यहाँ पे, क्या सुरेश, सुरेश के पिताजी से इसको 10 बीघा खेत मिला था, कितना मिला था जी 10 बीघा खेत, पिताजी का पैतृक था तो मिला था। अब 10 बीघा जब उसको खेत मिला था, ये 10 बीघा खेत में अब सुरेश का हुआ 4 बेटा, कितना हुआ जी 4 बेटा, 4 बच्चे हुए। अब इस 10 बीघा खेत कितने बटेगा, 4 बटेगा। अब मान लो सुरेश ने 2 बीघा खेत अपने पैसों से कमा के खरीदा था, अपने पैसों से कमा के खरीदा था, कि चारों जो बेटा है उसको क्या इन 12 बीघा पे अधिकार है या 10 बीघा पे अधिकार है, 10 पे, ये पैतृक है, ये जो जमीनवा है कि सुरेश किसी को भी दे सकता है, ये जमीन सुरेश चाहेगा तो बड़का बेटा कर दे, महिला कर दे, छोटका कर दे, किसी को कर सकता है, इसमें कोई बेटा आपत्ति नहीं जताएगा। मने मने गुस्सा निकाल, अच्छा बुढ़ाओ मौका आने दो, मांग लियो बुढ़ापे में पानी, ठीक है जमीन उसके नाम कर दिया है। आजकल देखते हैं आजकल ऐसा होता है, घर में 3 बेटा है, अब पिताजी रिटायर्ड है, पेंशन मिलता है, तो पिताजी जिनके तरफ रहते हैं उनको ज्यादा पेंशन देते हैं, तो कोई कुछ बोलता है तो पिताजी की अपनी कमाई है, लेकिन जो जमीन है वो तीनों चारों में बराबर बटेगा। कौन सा जमीन, जो दादाजी से आया था, जो दादाजी से आया था, ये जमीन को मान लो कोई नौकर था, बहुत सेवा किया बेटा से बढ़ के उसको दान कर देंगे, तो कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है। अब हाँ बोलो, जैसे गांव में कॉलोनी मिलती है तो वो बेटों में बटेंगे या परमानेंट दादाजी के पास है, सरकार, अच्छा कॉलोनी किसी पर्सनल आदमी को मिलता है, हां दादाजी को कॉलोनी मिल गई, महिलाओं के नाम पे मिलती है, हाँ, दादी को मिल गई, दादी को मिल गई, और दादा एक्सपायर है तो अगर दादी बांटना चाहे या दादी की मर्जी है, ऐसे पैतृक चले तो कॉलोनी किस में बटेगी, अगर पैतृक चलेगी तो सब में बटेगी, दादी की मर्जी है, दादी की इज्जत नहीं देगी, कुछ नहीं करोगे, दादी बुढ़ी तो खटखटाई होंगी, ध्यान रखियो, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आपको जो उनकी पैतृक संपत्ति है उसी को आप बांट सकते हो, आप सारे संपत्ति को नहीं बांट सकते हो, समझ रहे हो। इसी पे एक बात समझिएगा, जैसे मान लो कोई जमीन है, बोलो, जैसे कॉलोनी दादी बेचना चाहे, हाँ, तो उनको चारों बेटे के साइन नहीं, किसके नाम पे मिला था, महिला के नाम पे मिलती है, तो किसके नाम पे, दादी के नाम, दादी का साइन होना चाहिए, दादी का, लेकिन जो बेटा बेचेगा, लेकिन जब बेटा बेचेगा ये लोग अपने पापा से घर बेचने वाला है, मम्मी के नाम से घर होगा, 100 पैसे बिकेगा, हम ऐसा कर ले रहेगा नहीं, मम्मी का उठा मैं कुछ नहीं कर रहा, मम्मी सुतर रही है कि उठा मार मार वाले का सड़क पे, अब बेच देगा ये पक्का, इसे कोई दोस्त मत बनियो, ये जाएगा सबको ले जाएगा दरवाजे मिटा दे इसको, अभी से प्लान कर रहा है लड़का ये। अब आइए जरा इस बात को जरा समझते हैं, ये जो जमीन जो होती है, जो बंटवारा होता है, उस पे जो आप नाम सुने होंगे
बैनामा नाम सुने हैं? सुने हैं जी, दाखिला खारिजा, दाखिल खारिज। तो क्या होता है पता आप लोग को? आइए समझते हैं। सुने, अब देखो, अब से जमीन जो है सरकार की होती है, उसमें क्या टैक्स लगती है? टैक्स लगती है ना, इसको मिटा दूं। अब सपोज कर लो कि सरकार जमीन होती है ना, जिस पर टैक्स जाता है, वो दो तरीके से, एक होता है मालिक, कौन होता है जी? मालिक। मालिक वो होता है जो जमीन की, मतलब जिस पे जमीन, जिसके नाम पे जमीन क्या हुआ, रजिस्ट्री हुआ, यानी क्या नाम है, जिसके नाम पर जमीन क्या हुआ, रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री हुआ, ठीक है। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका होता है टैक्स देने वाला, कौन सा जी? टैक्स देने वाला, जमीन पर टैक्स देने वाला, ठीक है। अब जमीन पर जो टैक्स देने वाला होता है, आप बात तो समझिए, जैसे आपने क्या किया, जैसे मान लो अभी लड़का को एग्जांपल लेते हैं, दरोगा जी है, 10 लाख में कोई जमीन खरीदे, ठीक है, जमीन किसी भी आदमी का था, यानी टैक्स देने वाला कौन सा जी? एक टैक्स देने वाला, जमीन पर टैक्स देने वाला यानी कि ओरिजिनल मालिक, ओरिजिनल मालिक जो जिसने क्या किया, बेचा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बात को, अब ये आदमी, ये आदमी जो ओरिजिनल आदमी था, वो 10 लाख में इसके नाम का रजिस्ट्री कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया, जमीन बिक गया, अब जमीन का मालिक कौन हो गया, नया वाला हो गया, लेकिन टैक्स कौन पे कर रहा था, जो पुराना मालिक था उसका, क्योंकि ये नया वाला मालिक तो पे कर नहीं रहा था। अब जब इस आदमी ने जमीन इसको बेच दिया, जमीन इसको बेच दिया, तो इसने कुछ देखा तो कागज पत्र है नहीं, और जमीन अपने नाम पे लिखवा लिया, यहाँ से लिखवा लिया, अभी आदमी अब इस जमीन पे टैक्स देगा? नहीं देगा, कहा भैया जमीन को मुझको बेच दिए, लेकिन ये चीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं हुआ है, ये कहाँ हुआ है, सिर्फ कोर्ट से क्या हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है, कोर्ट से क्या हुआ है, रजिस्ट्री हुआ, जब कोर्ट से रजिस्ट्री हुआ है, अब ये आदमी 10 लाख में खरीदा, अब 5 साल रखा जमीन, 5 साल रखा, 5 साल बाद, कितने साल बाद जी बोलो, 5 साल बाद इस जमीन का कीमत कितना हो गया, 15 लाख, मान लेते कितना हो गया, 15 लाख। अब ये आदमी जमीन बेचने के जा रहा है कितना में, 15 लाख, अब 15 लाख में बेचने जा रहा है, तब कोई आदमी, सब आदमी देख रहा है जमीन बहुत जगह रोड पे है, बढ़िया है, तीन मुहानी है, कैसे देखते हैं ना जी, नाला वाला सब निकला हुआ है, सीवर वाला सब प्लानिंग बढ़िया है, लेकिन वो खरीद ही नहीं रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि जमीन पे टैक्स ही नहीं पे किया, टैक्स पे नहीं किया, तब ये आदमी कहाँ जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कहाँ जाएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएगा, और वो अपना क्या कहना है, उस कागज पे दिखाएगा कि टैक्स पे हुआ है तो नहीं हुआ, तो 5 साल का पहले सूद समेत क्या लेगा, टैक्स, तो उस जमीन का मालिकाना कौन बन जाएगा, ये, तो इसीलिए जब भी जमीन बेचिए, तो जमीन पर रजिस्ट्री कर दिए, रजिस्ट्री करने के बाद आप जाइए कहाँ, रेवेन्यू ऑफिसर, और रेवेन्यू ऑफिसर जाइए और आप अपना दाखिला करवाइए, क्या करवाइए, दाखिल, दाखिल का मतलब होता है कि अब हम जमीन का मालिक नहीं है, जमीन का मालिक कोई और है, हमारा नाम हटा दे, दाखिल करेंगे, और ये जिस आदमी के नाम पे बेचे हैं उसको खारिज करवाइए, क्या करवाइए, खारिज, खारिज, यानी अपना नाम हटवाएगा और इसका नाम, किसका नाम, जो आदमी बिकार लिया, अब जब ये ऐसा हो जाएगा दाखिल खारिज, तब अब इस पे टैक्स कौन पे करेगा, तो जब टैक्स पे करेगा, जब जमीन बेचेगा, तब उस जमीन का फिर आराम से बिक जाएगा, बात समझे, जब भी आप जमीन का खरीद बिक्री होता है, आप लोगों ने देखे होंगे कि इसमें जब लिखा है जमीन बिकता 10 लाख में, और कागज पे लिखा जाता है 8 लाख 7 लाख, देखे हैं क्या, आपने सुना है, कोई नहीं सुना है, काहे से होता है, क्यों होता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर आपने 10 लाख में जमीन खरीदा है, इसका 10% हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे,
लिखवाई लेंगे, पता है लिखाई लग गया है ना, रजिस्ट्री कराई लग गया, रजिस्ट्री कराई कितना 10%। अब 10 लाख का 10% कितना होगा जी, अराउंड 1 लाख होगा, कितना होगा 1 लाख, यानी 1 लाख क्या लग जाएगा उसके ऊपर, क्या लग जाएगा अब 1 लाख इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तब ये आदमी सोचता है कि काम करते हैं जो 10 लाख रुपया है ना, 10 लाख क्या नाम है पूरा नहीं लिखते हैं, तुम एक काम करो तुम इनमें से 3 लाख रुपया ले लो अलग से और 7 लाख लिख लो कहा कागज पे, लिख लिया उसको 3 लाख मिल गया, इसका कोई हिसाब किताब है, कोई हिसाब किताब नहीं। और जो 7 लाख रुपया है उस पर हिसाब किताब लगेगा, हाँ लगेगा। अब इसका 10% लगेगा कितना लगेगा, 70,000 लगेगा। आपके मन में दिमाग में बात आया होगा कि सर ऐसे कहे नहीं कर सकते कि तुम एक काम करो 9 लाख इधर से ले लो और 1 लाख कागज दे दो। सर कैलकुलेटर चलता है ना, दिमाग आया है लड़की बात में, नहीं आया आ गया लड़की दिमाग से बात जल्दी आएगा, उल्टी से बात जो है ना लड़की दिमाग ज्यादा आएगा, तो क्या क्योंकि कपड़ा उतनी फाड़ो जितना रफू हो सके, ज्यादा मत फाड़ो क्योंकि जमीन का एक लिमिट वैल्यू होती है, एक लिमिट वैल्यू होती है कि इससे कम में जमीन नहीं लिखाएगा। मान लो 10 लाख में बंदा खरीद रहा है तो इसकी लिमिट वैल्यू 4 से 5 लाख होगी, कितनी होगी 4 से 5 लाख, यानी 4 से 5 लाख के अंदर में उससे कम में नहीं लिखाएगा, समझ रहे हो। तो अब उससे कम में दोगे तो सरकार बोले किधर 1 लाख तो कैसे बेच रहा है, तो 1 लाख बेच रहा है हाँ तो 2 लाख हमको दे दे जमीन बस हो जाओ भाई जाओगे, मतलब तो 1 लाख 4 लाख में हमको दे दे ठीक है। इसलिए जो इसकी लो लेवल होती है उससे थोड़ा सा तो लोग ज्यादा लेके चलते हैं और उस पर वो लिखाई करते ठीक है। तो आपका था क्या अनुच्छेद 31 ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लोग बोलते हैं संवैधानिक अधिकारों का उपचार, संवैधानिक अधिकारों का उपचार, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है।